अगर आप एक यूट्यूबर है तो आपको जरूर मालूम होगा कि दूसरे और एक यूट्यूबर को वीडियो अपलोड करने में कितना तकलीफ होता है। वीडियो को शूट करना पड़ता है, वीडियो की क्वालिटी है, वॉइस क्वालिटी है, टैग लगाना है, थंबनेल बनाना है और बहुत सारे चीज़ इकट्ठा करके और उसके बाद ही एक वीडियो अपलोड करना पड़ता है। तो दोस्तों, मेरा कहने का मतलब ये है कि हम लोग इतना मेहनत करने के बाद भी हम लोगों को वीडियो में व्यूज़ और सब्सक्राइबर्स क्यों नहीं आ रहा है, हम लोगों की कुछ कमी है इसीलिए वीडियो में व्यूज़ और सब्सक्राइबर्स नहीं आ रहा है। तो दोस्तों, आज मैं इस वीडियो में इसी के बारे में बात करूंगा कि सब्सक्राइबर्स और व्यूज़ क्यों नहीं आ रहा है। तो ये वीडियो आप आखिर तक देखिए, आपको बहुत फ़ायदा होने वाला है। देखिए दोस्तों, हम लोग जब वीडियो शूट करते हैं तो पहले हम लोग बोलते हैं सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को दबाइए और उसके बाद कुछ इंट्रो लगा देते हैं और उसके बाद हम लोग क्या करते हैं कि वीडियो की टॉपिक पर आते हैं। तो दोस्तों, मेरा कहने का मतलब यह है कि जब आप वीडियो शूट करेंगे तो जो पहले की जो 10 या 15 सेकंड है उसमें आप ऐसा कुछ बोलना चाहिए आपको कि बंदा आपके वीडियो छोड़कर ना जाए। तो हम लोग क्या करते हैं, वो यह कीजिए, वो कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, यह बोलने के बाद तो लोगों के पास टाइम नहीं है। वो लोग क्या करता है कि वीडियो को 10 से 15 सेकंड देखने के बाद वो वीडियो छोड़ के चला आता है और हम लोग के वीडियो में जो वॉच टाइम है, वॉच टाइम नहीं मिलता है, इसलिए हम लोग के वीडियो रैंक नहीं करता है सब यूट्यूब में। सबसे ज़्यादा ध्यान देने वाली बात है थंबनेल। जी हाँ दोस्तों, हम लोग तो थंबनेल लगाते हैं लेकिन थंबनेल में हम लोग बहुत सारे कुछ बहुत लिख देते हैं और उसके लिए हम लोग को वीडियो में व्यूज़ नहीं आता है। देखिए दोस्तों, थंबनेल कुछ ऐसा होना चाहिए, थंबनेल को HD बनाना पड़ता है और थंबनेल में कुछ ऐसा सिंपल सा लिखना चाहिए और बराबर अक्षर में लिखना चाहिए, क्योंकि दोस्तों अक्सर लोग वीडियो में क्लिक करता है वो है थंबनेल की वजह से, थंबनेल में देखता है और वीडियो में क्लिक करके वो वीडियो देखता है। दोस्तों, हम लोग जो टाइटल लगाते हैं वो टाइटल को, बहुत सारे लोगों टाइटल को नहीं पढ़ता लेकिन वो थंबनेल में पढ़ता है और थंबनेल देखकर ही वो वीडियो में क्लिक करता है। इसलिए दोस्तों, थंबनेल को कुछ ऐसा लिखना चाहिए कि वो बराबर अक्षर में होना चाहिए और वो HD होना चाहिए, क्योंकि दोस्तों थंबनेल में ही देखकर लोग क्लिक करता है वीडियो में। और डायरेक्ट आपको क्या करना है, वीडियो शूट करना है और आपके जो टॉपिक है वो टॉपिक पर आ जाना है। देखिए दोस्तों, अगर आपके चैनल में वीडियो उस बंदे को पसंद आएगा तो वो ज़रूर आपके चैनल को सब्सक्राइब करेगा। उन लोगों को बोलने की कोई ज़रूरत नहीं है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ये कीजिए, वो कीजिए। अगर वो बंदा को आपके वीडियो पसंद आया तो आपके चैनल में जाएगा, जाके आपके वीडियो को देखेगा, वो देखकर आपके चैनल को वो सब्सक्राइब कर लेगा। तो उसके लिए आपको टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है और बोलने की ज़रूरत नहीं है कि सब्सक्राइब कीजिए, ये कीजिए, वो कीजिए। थंबनेल आप अच्छा से बनाइए, आपके वीडियो में व्यूज़ 100% गारंटी है, आपकी वीडियो वायरल हो जाएगा। वीडियो वायरल होने की एक ही चांस है, वो है थंबनेल। आप थंबनेल जिस दिन बनाना सीख जाओगे उस दिन आपको किसी को भी बोलना नहीं पड़ेगा कि मेरे चैनल को प्रमोट कर दो, भाई मेरे चैनल को प्रमोट कर दो, ये कर दो, वो कर दो। आपका वीडियो अकेले वायरल हो जाएगा जिस दिन आपका थंबनेल ठीक हो जाएगा। तो दोस्तों, आप थंबनेल में ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान दीजिए, आपके वीडियो वायरल होने का चांस है, एक ही कारण है, वो है थंबनेल। तो दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो में कुछ भी पसंद आए तो लाइक करना ना भूले। दोस्तों, मैं इसी तरह की और अच्छे अच्छे वीडियो लाता रहूँगा यूट्यूब से रिलेटेड। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं और एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग।